अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। इच्छा, दरअसल बात यह है कि कल सबल भैया और प्रबल भैया कह रहे थे कि शादी के बाद बीवी अपने पति को गुलाम बना के रखती है, लेकिन इच्छा प्लीज मेरे भाइयों के सामने संभाल लेना। उनके सामने मैं शेर बनूंगा और धाड़ूंगा, और तुम्हें मेरी धाड़ सुननी पड़ेगी। संभालना तो आपको भी है बब्बल जी, क्योंकि ममता दीदी के सामने मैं शेरनी बनूंगी और आपको धाड़ सुनाऊंगी। डन 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 डन, हम भी खुश, वो भी खुश। छोरी, तू इस परिवार की नई बहू है, तो शादी के बाद तू पहली बार रसोई में कदम रखेगी और अपने हाथों से कुछ मीठा बनाएगी। इच्छा, मैंने इस हलवे में नाग लीला जहर मिला दिया है, अब ये नाग लीला जहर अपनी लीला दिखाएगा। हाँ, तुम्हारा पूरा परिवार इस हलवे को खाकर नागों की तरह झूमेगा और तुम बीन पकड़कर खड़ी हो जाना। खुशबू से पेट भर लेंगे, या हलवा भी आएगा। अरे किधर है हलवा? अरे सबर रख खड़क। आ गई हलवे वाली, आ गई। लो अम्मा जी, इच्छा ने अपनी ये रस्म तो पूरी कर दी। रुक जा छोरा, अभी रसम पूरी ना हुई है। इस घर की सबसे बड़ी मैं हूं, सबसे पहले हलवा मैं चखूंगी, बहू को शगुन दूंगी, उसके बाद तुम सब खाना। नीले नीले छींटे, ये कहां से आए? ये है क्या? नागलीला विष, ये तो नागलीला विष की। ये क्या किया छोरी? बावली हो गए के? हलवा क्यों फेंक दिया? इच्छा, ये क्या किया तुमने? इतने प्यार से हलवा बनाया और तुमने उसे फेंक दिया। बबल जी, मुझे याद है कि मैं हलवे में चीनी नहीं थी। ये क्या कह रही है इच्छा? चीनी तो मैंने खुद डाली थी, याद नहीं? हम गोदाम में गए थे चीनी लेने। अब दीदी, मेरा मतलब है आपने चीनी डाली थी लेकिन कम थी। अरे तो कौन सा कहर टूट पड़ा था छोरी? चीनी कम थी तो ऊपर से डाल देती, लेकिन हलवा फेंकने की जरूरत क्या थी? दादी, शादी के बाद पहली बार कुछ मीठा बनाया था, फीका कैसे खाने देती? फीका तो फीका, तुम्हारे हाथ का फीका हलवा भी टेस्टी होगा। इतने प्यार से बनाया है, मैं तो खा रहा हूँ। रुक जा। छोरी, तेरा दिमाग ठिकाने पे ना है। अरे फीका था, जैसा भी था वो खा रहा था ना, तो फेंका क्यों तूने? इच्छा, ही क्या पागलपन है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो बबल जी, अप्पू का मुंह बिगड़ जाता इसलिए मैं दोबारा बनाकर ले आती हूँ दादी। अब रहने दे छोरी, रसम पहली बार में हुए, जब भी तो उसे रसम कहते हैं।
अरे बिगड़ गई तो बिगड़ गई, दोबारा करने से कोई फायदा ना है। अब तू अपना दिल छोटा मत कर, अभी और भी रस्में करनी बाकी है, उसे ठीक से करना। ममता जा, जाके सबके लिए नाश्ता बना। जी दादा। चलो भाई, बड़ी भूख लगी है, जल्दी लाओ। आ जाओ। क्या इच्छा, कर दी ना बच्चों वाली हरकत, सारा हलवा गिरा दिया। किसी ने भी नहीं खाया। कोई बात नहीं सुसुरी, तेरा मकसद था रसम बिगाड़ना, सो बिगड़ गई। ईमान से दस लूंगी। इच्छा चाची। कौन चाची? मैं तेरी चाची। दादी ने क्या कहा था भूल गया? मैं तेरे चाचू की बीवी हूँ, मतलब तेरी चाची। पता है इच्छा, पता है, और मैं तुम्हें चाची कहकर भी बुलाऊंगा, लेकिन तब जब हम सबके साथ होंगे। अकेले भी तो हम दोस्त है ना, और दोस्त को कोई चाची बोले अच्छा लगता है क्या? तू नहीं सुधरेगा ना अप्पू? कभी नहीं, प्रॉमिस। ऐसे इच्छा एक बात बताओ, तुमने हलवा क्यों गिराया? सच में उसमें चीनी कम थी या कोई दूसरी वजह थी? अप्पू हलवे में जहर था। जहर? हाँ, लेकिन ये अलग तरह का जहर है। नागिस्तान में इसे नाग लीला विष कहते हैं। अगर ये किसी इंसान के शरीर में चला जाए तो उसकी मौत तो नहीं होती, लेकिन उसका दिमाग जरूर चकरा जाता है। इंसानों में भांग पीने के बाद जो होता है बिल्कुल वैसे ही। लेकिन ये नाग लीला विष हलवे में कैसे? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। क्या ये सब? हाँ, हुआ क्या तुम्हें? तुमने ऐसा क्यों किया? कपिल जी, वो दरअसल। क्या बात है? अच्छा, कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ ना। कपिल जी, मैं आपको कैसे बताऊं? वो देखो, अच्छा अब जो भी है सच सच बताओ। अब मैं तुम्हारा पति हूं, अब कोई लुका छुपी नहीं चलेगी। बताओ। कपिल जी, वो बोलो। वो हलवे में जहर था। जहर हलवे में? कहां से आया, किसने डाला, और तुम्हें कैसे पता कि हलवे में जहर था? वो तो मुझे पता चल जाता है। कैसे? ओहो हो हो हो, हाँ, तुम कोई आम लड़की तो हो नहीं, अद्भुत शक्तियां है तुम्हारे पास, अंतर्यामी हो तुम, तुम्हें तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है ना? हलवे में मिला जहर तुम देख सकती हो, अलग अलग रूप ले सकती हो, किसी की मन की बातें सुन सकती हो, है ना? ओ हो, फिर तो तुमने आज तक मेरे मन की हर बात सुनी होगी। बबल जी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। इच्छा, ये मजाक नहीं है तो और क्या है? हा? अरे इच्छा, हम इंसान है, और इंसानों की आंखों में ना कोई केमिकल सेंसर होते हैं और ना कोई मशीन होती है जिससे वो जहर को पहचान सके। क्या बातें कर रही हो तुम? बबल जी, शायद आप ठीक कह रहे हैं, शादी की भागा दौड़ी से ना मेरा दिमाग चकरा गया है। हलवे के बर्तन पर कुछ नीला सा गिरा था और मुझे लगा कि वो जहर है, लेकिन बब्बल जी, दादी जी मेरी इस हरकत से मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज तो वो होंगी ना, शादी की बार पहली रस्म और तुमने। लेकिन बब्बल जी, मैंने कुछ जानबूझकर। अरे वो तुमसे नाराज नहीं है अच्छा, उन्हें बस बुरा लग रहा है कि तुमने इतने प्यार से हलवा बनाया और तुम किसी को खिला भी नहीं पाए। चलो अब जो भी है तुम रिलैक्स करो, ठीक है? बुरा तो मुझे भी लग रहा है बब्बल जी, मैंने अपनी जान डाल दी थी हलवे में। तो किसी इच्छाधारी नाग या नागिन के पास ही होता है, फिर यहाँ कौन है?
किसी को मारना तो नहीं चाहता, लेकिन पक्का ये बाकू की ही शरारत है। वो ऐसे ही बब्बल जी से चिढ़ता है, जरूर उनकी टांग खींचने के लिए उसने ऐसा किया होगा। बाकू अब तू सामने आ, तुझे देखती हूँ मैं। ईमान से डस लूंगी। अरे क्या बात है दादी, पैरों को घुटने से अलग क्यों कर रही है, चल भी ना पाएगी। अरे बावले, हर बार अपनी बेवकूफी साबित करना जरूरी है के? अरे मैं घुटने को पैर से अलग ना कर रही हूँ, पैर दबा रही हूँ, दुख रहा है। बबल की शादी में एक मिनट भी मुझे बैठने का मौका ना मिला। सो तो है दादी, बहुत भाग दौड़ करी है तूने, अब थोड़ा आराम कर ले। घर में नई दुल्हन आई है, उसको काम करने दे। और ममता और अम्मा तो हैं ही उसका साथ देने के लिए। और एक बात का ध्यान रखिए दादी, घर में कोई अपशगुन ना होने पाए। वो क्या है ना कि अपशगुन से घर में शांति भंग हो जावे और नए दूल्हा दुल्हन के बीच में रिश्ते पे भी असर पड़े, इस बात का ध्यान रखिए। बात को तो सही कह रहा है और सही तरीके से सुन भी रहा है, लेकिन मने तेरा मिजाज कुछ बदला बदला लग रहा है। अरे कहाँ बदला लग रहा है दादी? छोरा, ये बाल धूप में सफेद ना किए मैंने। पर कैसे सफेद किए हैं दादी? मार्केट में कोई मेहंदी मिला है क्या बाल सफेद करने के लिए? मुझे भी बता दे, मैं किसी को ना बताऊंगा। अरे चुप कर बावले, पागलों जैसी बात ना कर। मेरे कहने का मतलब ये था कि तू कुछ औरतों जैसी बात कर रहा है। अरे औरत हूँ तो औरतों जैसे ही तो लगूंगा दादी। ये कहा तूने? अरे मेरा मतलब है कि तू औरत है ना दादी, इस मारे तुझे लग रहा है। और मिजाज पे मत जा, बातों पे जा, बातों की गहराई को समझ। अच्छा छोरा, एक बात बता, आज हलवे को लेकर जो अपशगुन हुआ उसका असर पूरे घर पे भी होगा? अरे बिल्कुल पड़ा होगा, इच्छा नई बहू बन के घर में आई ना कि अपशगुन शुरू। वो कहते हैं ना कि नई बहू के पैर या तो घर में समृद्धि लेके आवे या फिर बर्बादी। अब देखते हैं कि इच्छा घर में क्या लेके आती है। छी छी छी, कैसी बातें कर रहा है प्रबल? एक छोटे से अपशगुन के लिए इच्छा की अच्छाइयों पे सवाल नहीं उठा सकते। इच्छा इस घर की बहू है, लक्ष्मी बनकर आई है। हाँ, छोटा सा अपशगुन तो हो गया उससे, लेकिन उसका असर दूर करने के लिए कोई उपाय सोचना होगा। हाँ, मैं भी सोचती हूँ दादी। चुप कर बावले, तू क्या सोचेगा, मैं सोचती हूँ। सब आ गए, ये बबल इच्छा कहाँ रह गए? आ गए दादी, क्या बात है, आपने हम सबको एक साथ बुलाया। देख छोरा, आज इच्छा के हाथों अपशगुन हुआ है। अपशगुन? ये आप क्या कह रही हो दादी? अपशगुन नहीं तो और क्या, आज घर की नई बहू पहली बार रसोई में जाके कुछ बनाती है और बिना किसी को खिलाए बाहर फेंक दिया। अरे दादी, वो तो इसलिए फेंका क्योंकि जो भी हो आज अन्न का अपमान हुआ है, और भरे पूरे घर में ऐसा होना अच्छे लक्षण ना है। अब शगुन का असर पूरे घर पर पड़े, इससे पहले इसे दूर करना होगा, और इसीलिए मैंने एक पूजा करने की सोची, ग्रह शांति की पूजा। बिल्कुल सही सोचा है दादी आपने, ये पूजा कर ही लेते हैं, हर किसी के मन की शंका दूर हो जाएगी। प्रबल सबल, तुम लोग पंडित जी के पास जाओ
और उनसे कहना कि ग्रह शांति की पूजा करनी है, वो सारी तैयारी के साथ यहाँ आ जाए और जो भी उनकी दक्षिणा होगी ना हम दे देंगे। ठीक है दादी। और छोरा, पंडित जी से ये भी कहना कि मुझे शिव जी का अभिषेक भी करना है। शिव जी का अभिषेक? पर वो किस लिए दादी? छोरा, मैंने शिव जी से मन्नत मांगी थी कि जब तू बराबर सुनने लग जाएगा ना, मैं शिव जी का अभिषेक अपने हाथों से करूंगी। पर दादी, मैंने तो अभी। छोरा, मैं सुबह से देख रही हूँ कि तूने एक भी बात गलत नहीं सुनी। तेरी सुनने की शक्ति अच्छी हो गई है। भक्ति? अरे दादी, शिवजी की तो मैं भी बड़ी भक्ति करता हूँ। अरे भाई, दादी भक्ति ना कह रही, दादी कह रही शक्ति, शक्ति सुनने की शक्ति। तारीफ हजब ना होती ना तुझसे। जा, जाके पंडित जी को बुला खिला। और ममता, तू जाके पूजा की तैयारी कर। जी दादी जी। देख छोरी, अब शगुन तारे हाथों से हुआ है तो पूजा भी तारे हाथ से होगी। जी दादी जी, और इस बार मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बबल, आ हमारे साथ। मौका तो मैं नहीं दूंगी तुम्हें इच्छा बचने का। कितना मजा आएगा ना जब ग्रह शांति की पूजा में शांति ही नहीं होगी। चिंता मत करो इच्छा, कृपा होगी, धू धू करके बरसेगी, पर ईश्वर की नहीं, सुरसुरी की। आज की पूजा में धमाल कर दूंगी, ईमान से ढस लूंगी। सुरसुरी, तू यहाँ कब आई? कितने दिनों बाद मिल रही है, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, पर अब तुम्हारी हालत बिगड़ने वाली है। मतलब? बाकू, ये कैसा मजाक है? मजाक नहीं, यही सच्चाई है। सुरसुरी यहाँ आई है। सुरसुरी यहाँ किस लिए? तुम्हारी शादी तुड़वाने। मेरी शादी? लेकिन मेरी शादी से उसका क्या लेना देना? बाकू, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो क्यों? वो तुम्हारी दोस्त थी, अब वो तुम्हारी दुश्मन बन चुकी है। लेकिन क्यों? क्योंकि नहीं, ये शादी शादी नहीं है। मैं नहीं मानती इस शादी को। एक तरह से देखा जाए तो सुरसुरी का गुस्सा जायज है। अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद ऐसा ही सोचती। बाकी वो नहीं जानती मैं जन्म से इंसान हूँ, इसीलिए मुझे बब्बल जी से शादी करने की इजाजत मिली है, लेकिन उसे वो इजाजत नहीं मिल सकती। लेकिन उसे ये बात समझाएगा कौन इच्छा? जो सच है वो बता भी तो नहीं सकते। ऐसे तो उसका गुस्सा बढ़ता ही रहेगा, वो तब तक शांत नहीं होगी जब तक वो मुझे और बब्बल जी को एक दूसरे से अलग नहीं कर देती। उसका फंड ठिकाने पर नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। ओ, अब मैं समझी। मैं सोच रही थी हलवे में नाग लीला विष तूने मिलाए, लेकिन वो तूने नहीं, सुरसुरी ने मिलाया था। अब उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, तुम्हारी शादी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। अब तो हमें चौकन्ना रहना होगा वाकू। आज दादी ने ग्रह शांति की पूजा रखी है और वो पूजा में भी कोई ना कोई उत्पात जरूर मचाएगी, हमें उसे रोकना होगा। एक तरीका है, हम घर में हर उस जगह पर नाग रोधक जल छिड़क देते हैं जहां से भी वो नाग बनकर प्रवेश कर सकती है, बस एक मुख्य द्वार को छोड़ देते हैं ताकि पूजा के दौरान तुम्हें किसी भी चीज के लिए बाहर जाना हो तो कोई आपत्ति ना हो। और अगर वो वहीं से अंदर आ गई तो? नहीं आएगी, मैं वहां पहरा दूंगा। पहरा देना तो बात की बात है वाकू, हम एक बात भूल रहे हैं, उसने हलवे में नाग लीला विष मिलाया था, इसका मतलब वो घर में भी हो सकती है। और ऐसे में अगर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते इच्छा, हमें बस चौकन्ना रहना होगा। तुम पूजा में बैठो, मैं हर तरफ नजर रखूंगा। उससे क्या होगा वाकू,
वो इच्छाधारी नागिन है, किसी का भी रूप ले सकती है। हाँ ये खतरा तो है, लेकिन तुम क्यों चिंता कर रही हो, मैं हूं ना।